और कितना था एवरेज, ये वाला इंडेक्स नीचे वाला जहां से जो इंसिडेंट रे के मीडियम का इंडेक्स था वो कितना था? ये √2 था, μ1 √2 था, μ2 1 था। 1 था। तो एंगल आर बताना है इसमें, हाँ ये कितना होगा? तो जैसे ये क्वेश्चन मिलेगा तो सीधा एसएनएलएस लगाना शुरू कर देंगे बच्चे, नहीं समझे भाई? अगर तुम्हें एंगल निकालना है तो एसएनएलएस लॉ ही अपने पास है बस। तो हम लिखेंगे हाँ क्या, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। म्यू वन मतलब जिसमें इंसिडेंट रे है उसको म्यू वन कहते हैं, और जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है उसको म्यू टू, उसके इंडेक्स को म्यू टू लेते हैं। तो आई तो इसमें गिवन है 60, तो साइन 60। आर मुझे निकालना ही है, म्यू टू है 1 और म्यू वन है √2। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो साइन आर कितना आ जाएगा, √3/2 इंटू √2। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यही तो आएगा। तो ये आ हाँ जाएगा √3/2, तो 1.5 का अंडर रूट। अच्छा 1.44 होता तो अंडर रूट में क्या आता, स्क्वायर रूट ऑफ 1.44। अरे 1.44 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 12। तो 1.2 होगा ना 1.44 का, तो 1.4 मतलब लगभग 1.2 आएगा ये। तो ये बताओ साइन आर अगर 1.2 है लगभग, तो आर की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं क्योंकि हम लोग कोई एंगल नहीं पता कर सकते, क्योंकि साइन की वैल्यू हमेशा माइनस, साइन थीटा की वैल्यू -1 से और 1 के बीच में ही हो सकती है बस, और 1 से ज्यादा है। इसका मतलब आर जो है ये इसमें आया ही नहीं, इसका मतलब रे रिफ्रैक्ट नहीं हुई ना भाई। जब आर आ ही नहीं रहा है तो आर से ही तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आता, तो इसमें रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, नहीं समझे? ट्रांसपेरेंट है जैसे, ट्रांसपेरेंट है लेकिन रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो कैसे होगा ये रिफ्रैक्शन अगर नहीं हो रहा है, तो क्या करना है? इसका मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसे आ जाएगी रे। जितने रिफ्लेक्शन का रूल तो जानते हो ना, जितने एंगल पर जाएगी उतने एंगल पर वापस आ जाएगी। तो ये रे रिफ्लेक्ट हो गई क्या, और मिरर के बगैर रिफ्लेक्शन है, मिरर के बगैर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन विदाउट मिरर इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आगे किसी में होगा तुम्हें, आगे पढ़ा जाएगा हम लोग, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको TIR कहा जाएगा। दिख रहा है कि ब्लड है? नहीं सही है। सही है। अब बताओ अविरल, अविरल बताओ, हेलो, समझ गया मैं। समझ गए ना? तो कितना एंगल हो कि रिफ्रैक्शन हो, 60 पर तो रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, रिफ्लेक्शन हो गया। क्या 50 पर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होता? 45 45 तक रिफ्रैक्शन होगा, और 45 के बाद वो क्या शुरू हो जाएगा, रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। किसका फोन आया? अविरल तुम्हारे यहां फोन आया है? हम्म,
किसका फोन है यार? अब्रिल कहाँ गया? तो नहीं है क्या? अब्रिल ये लिख लिया? अब्रिल हेलो, अरे तुम लोग वीडियो ऑन कर लो अपना, वीडियो ऑन कर लो निक्की। अब्रिल वीडियो दिखाओ अपना, अपना चेहरा भी दिखे तो सही। नहीं आ रहा है इसमें, को और कोई एक्सेस मांग रहा है शायद, रूम लॉक्ड है। चलो तो ठीक है, रहने तो हो नहीं पा रहा है। आ रहा है अभी वीडियो, तुम लोग दिखाओ नहीं। नहीं एक्सेस नहीं। ठीक है, तो ये मैं ये पूछ रहा हूं कि 60 डिग्री पर जो रे गई वो तो वापस आ गई, वो इस मीडियम में जा ही नहीं पाई। 50 डिग्री वाली जा पाएगी? नहीं, 50 वाली भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। 46 वाली? वो भी। 45 वाली? वो नहीं, वो 90 डिग्री बनाते वो ना तो रिफ्रैक्ट होगी ना रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे चली जाएगी है ना। और 45 से कम जब होगा तब ऊपर निकल पाए। नहीं समझे? तो ये है, when a ray of light, when a ray of light goes from a denser medium to a rarer medium, it deflects away from the normal. For a particular angle of incidence, for a particular angle of incidence, for a particular angle of incidence, the refracted ray grazes the boundary. Graze मतलब कि बाउंड्री के पैरेलल चली जाना, ना उधर ना इधर। This particular angle is called as critical angle theta c, इसको मान लो critical angle को मैंने critical theta c कह दिया। grazing मतलब कि बाउंड्री के चिपक के निकल जाना, ना उधर ना इधर। 90 डिग्री r 90 हो तो ना उधर जाएगा ना इधर जाएगा, कि नहीं? फॉर एनी अदर एंगल ऑफ इंसिडेंस
आई ग्रेटर देन थीटा सी। अब थीटा सी पर तो वो ऐसे 90 हो गया आर, उससे ज्यादा अगर एंगल होगा देन द रे रिफ्लेक्ट्स बैक, रिफ्लेक्ट्स बैक इन द सेम मीडियम, बैक इन द सेम मीडियम। This phenomena is called as, this phenomena is called as total internal reflection. लिख लो इसको, ये स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिना मिरर के लाइट वापस आ गई अपने मीडियम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। इसमें है आगे करके कहीं, देखो पेज मैं देख रहा हूं तुम्हारी बुक, इसमें है क्रिटिकल एंगल वगैरह, जो डी है ना, 4D, फोर्थ का डी पार्ट यही है। देखो 92 पेज दिख रहा, 92 अप्रैल क्या लिखा है, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोलो देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ लिखा, पेज नंबर 92 पर कोई हेडिंग लिखी है। हाँ, क्या हेडिंग, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो वही है ये। तो रे जिस मीडियम में उसी मीडियम में आ जाती है बिना मिरर के, तो कहो तो यही पढ़ा दें, जब इसको पढ़ ही रहे हैं अभी, कोई अभी दिक्कत है स्कूल में, क्या चल रहा है स्कूल में, तो प्रिज्म में यही सब चल रहा है, कुछ पढ़ते हैं। तुम्हारे अवरण, तुम्हारे में नहीं पढ़ा रहे हैं, हाँ नहीं पढ़ा रहे हैं, सेकंड चैप्टर वर्क एनर्जीज है, वो तो बहुत दिन से चल रहा है यार तुम्हारा, वो खत्म नहीं कर पा रहे हैं, खत्म नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, और वो नहीं, कैसे नहीं खत्म कर पा रहे हैं, अरे जैसे पढ़ाने लगते हैं बच्चे मजाक करने उनके साथ, वो भी होता है। अच्छा, उसी में वो टाइम खत्म हो जाता है, हो जाता है। बढ़िया है तुम्हारे। अच्छा मैथ्स में बताओ कौन सा चैप्टर चल रहा है। मैथ्स में तो मेरे क्लास में मैट्रिसेस पर आ गए हैं, छह चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अच्छा, छह चैप्टर खत्म कर चुके हैं, है ना। तो मैट्रिसेस चल रहा है तुम्हारा, तो पढ़ना है, सर को बोलो पढ़ा देंगे। हाँ। कि अपने आप हो पा रहा है, नहीं अपने आप नहीं। अवर पढ़ना है, मैं कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना है, समझ में। अच्छा चलो मैं बोलता हूँ तो। अच्छा इसमें जो है क्रिटिकल, ये अभी TIR ही ये शुरू हो गया है, तो उसको खत्म कर देता हूँ। तो सबके पास बुक है ना, तो आप क्रिटिकल एंगल निकालेंगे कैसे। इससे मान लो ये एक मीडियम है
मीडियम वन, मीडियम वन, और ये मीडियम टू है, ये मीडियम टू है। वन का मतलब रिफ्रैक्टेड रे इसमें रखना है, वो तो किसी को भी मान सकते हैं, नीचे ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। ये एक रिफ्रैक्टेड इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे के मीडियम को मीडियम वन कह दिया गया है। इसका इंडेक्स में मैंने कितना कह मान लिया म्यू वन, और इसका इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया म्यू टू, ठीक है। ये इंसिडेंट रे कौन सी, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट। अब भाई जब ये रे इधर आएगी तो ये बताओ नॉर्मल की तरफ आएगी कि नॉर्मल से दूर जाएगी, विल इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मीडियम कौन सा रे रे डेंसर? हाँ, मान लेते हैं कि म्यू वन की वैल्यू ज्यादा है म्यू टू से, तब बताओ अवे फ्रॉम द नॉर्मल की टुवर्ड्स द नॉर्मल। अवे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे, जैसे ये इसका असली रास्ता था, पुराना रास्ता था, अगर मीडियम चेंज ना होता तो ये रे ऐसे तो जा रही थी, तो इससे दूर जाएगी नॉर्मल से, इससे इधर की तरफ। तो मान लो इधर आ गए, ऐसे आ गए, तो अब आर एंगल कितना हो गया, आर, आर कितना हुआ 90 डिग्री। तो उस एंगल को, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल आर 90 हो जाता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। नहीं समझे मेरी बात? समझ गए। कितना आसान है बताओ? बहुत आसान है, कोई औकात नहीं है। क्रिटिकल एंगल, समझे कि नहीं? क्या नाम है इनका? अविर, अविर कहाँ है? अविरल, समझे? अरे ठीक से बोलो। हाँ समझ गया। जो एंगल कैसे डिफाइन करेंगे, अगर क्रिटिकल एंगल कोई डिफाइन करने को बोलता है तो आपको कहना है कि दिस इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच अ रे गोइंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम, है ना, इमर्जेस बाउंड्री के पार होकर चली, रिफ्रैक्शन कहना है, रिफ्लेक्शन उसको इमर्ज कह देना, इमर्जेस मतलब बाहर निकल जाना, दोनों मीडियम की पैरेलल होकर चली जाए तो उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। क्या अगर कोई रे डेंस रेयरर से डेंसर में आती तब भी ऐसा केस हो सकता था? अगर कोई रे जैसे डेंसर से रेयरर में आएगी तब तो क्रिटिकल एंगल हो गया। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं? अगर इसका उल्टा होता, अगर म्यू वन की वैल्यू कम होती म्यू टू से, तब भी क्या आर 90 हो सकता है किसी एंगल के लिए? हाँ हो सकता। नहीं हो सकता ना? अगर अगर मीडियम अगर रेयरर से डेंसर में जाता, अगर रेयरर से डेंसर में जाती तब तो झुक जाती ना नॉर्मल की, तब तो इधर घूम जाती ना, मैं इधर लाना है इधर। नहीं समझे बात? तो नॉर्मल पे जरूरी नहीं है, मतलब समझे नहीं? मतलब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये ऊपर बाउंड्री की तरफ जाती है, ये नीचे नॉर्मल की तरफ नहीं आ सकती है? नहीं, नॉर्मल की तरफ क्यों? ये 90 कैसे होगा, आर 90 कैसे होगा जब ये रे नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी? ये तो मैं जानना चाहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसा रे बनाओ, ये मान लो ये है रेयरर मीडियम, रेयरर, और ये है डेंसर। एक ऐसी रे मुझे बनाकर दिखाओ जो रे किसी एंगल पर आए, इंसिडेंट हो किसी एंगल पर, और वो रे जब एंगल पर आए तो ये ऐसे चली जाए, ऐसे। ये एंगल कितना होना चाहिए? 45।
नहीं, रेरर से डेंसर में जा रही है तो अपने रास्ते से किधर जाएगी, नॉर्मल की तरफ कि नॉर्मल से दूर? टुवर्ड्स नॉर्मल। तो इधर तो आ ही नहीं सकती ना, ये मैं कह रहा हूं, हाँ इधर वाला केस तो है ही, हो ही नहीं सकता इसमें, हाँ 90 तो हो ही नहीं सकता, ये तो इधर कम हो रहा है ना। नहीं समझे अब्रल समझ गया। भाई, क्रिटिकल एंगल बनने के लिए डेंसर से रेरर में जाने चाहिए, पहली कंडीशन है। नहीं समझ गया। समझे? क्रिटिकल इमरजेंस के लिए कोई रे R90 हो, R की वैल्यू 90 डिग्री हो, इसके लिए जरूरी ये है कि इफ एंड ओनली इफ, ये कैसे आवाज आ रही है, इफ एंड ओनली इफ अरे मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम, तभी पॉसिबल है। तो TIR की पहली कंडीशन क्या है, मतलब अब क्या होगा, अब निकालेंगे कैसे भाई, क्रिटिकल एंगल निकालना है मारो, TIR अभी देखते हैं क्या है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, स्नेल्स लगाते हैं, स्नेल्स लॉ, तो क्या होता है, sin I/sin R बराबर μ2/μ1। बोलो I कितना है, थीटा सी, साइन थीटा सी, साइन आर साइन 90 डिग्री, म्यू टू कितना है, म्यू टू है, म्यू वन कितना है, म्यू वन है, साइन 90 कितना होता है, 1, तो साइन थीटा सी कितना हो गया, μ2/μ1, तो थीटा सी कितना हो गया, साइन इनवर्स, ये जानते हो कि नहीं, इनवर्स वगैरह नहीं जानते, ऐसे लिखा तो जानते हो कि नहीं, ये जानते हो, ये अगर मान लो तुम्हें दो मीडियम दिए जाए मी वन मी टू, और कोई पूछे क्रिटिकल एंगल तो ऐसे निकाल देना, साइन थीटा सी इज इक्वल टू क्या बराबर, क्या μ2/μ1 म्यू टू मतलब कौन सा, जैसे मान लो यहां कोई मी वन लिख दे, यहां मी टू लिख दे, तो मी वन बाय मी टू हो जाएगा ना, हाँ म्यू टू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड ऑफ सेकेंड मीडियम, मी वन का मतलब रिफ्रेक्ट इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट इंसिडेंट रे, जैसे μ3 μ4 हो, μ μ' हो, तो ये थोड़े कि μ1 μ2 पढ़कर गए थे और एग्जाम में μ3 μ4 लिखा था तो नहीं कर पाए। समझ गए कि नहीं, तो क्रिटिकल एंगल अगर निकालना है तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू, जिसमें रे जा रही होती, वैसे तो जा नहीं रही है ना, मतलब जो सेकेंड मीडियम है उसका इंडेक्स बटे जिस मीडियम में ये थी, इंसिडेंट हो रही थी, उस मीडियम का इंडेक्स से डिवाइड कर दो, आ जाएगा ऐसा। बोलो नहीं अब ये जो μ2/μ1 मैंने लिखा था ना, μ2/μ1, इसको ऐसे भी ले सकते हैं क्या, बताओ, बोलो क्या लिख सकते हैं, μ1 ऐसे लिखा जाएगा कि μ2/μ1 क्या लिखा जाएगा, तो मैं लिखने का एक तरीका दिखाया, सही है ये,
म्यू टू वन म्यू वन को ऐसे लिखते हैं, वन म्यू टू कहीं है, कहीं किसी उस पर लिखा होगा तुम लोगों का। हाँ सही है, ठीक नहीं है ये, सही तो है, सही है क्या? हाँ ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। हाँ बताओ, रे कहां से कहां जा रही है? रे डेंसर टू रेयरर जा रही है। ग्लास से एयर में जा रही है ना, हाँ, तो पहले चेक कर लिया करो कि डेंसर से रेयरर में जाएगी तभी क्रिटिकल की बात ही कर सकते हैं। अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है तो क्रिटिकल जैसे शब्द की बात ही नहीं कर सकते, नहीं समझे? समझ गया। तो बताओ अब क्या होगा, आंसर क्या होगा, क्रिटिकल एंगल बताओ। साइन थीटा से क्या लिखूं? म्यू रेरर बटे म्यू डेंसर। तो म्यू एयर वन होता है और म्यू ग्लास दिया है 5/3, तो 3/5 आ गया। बोलो, तो साइन थीटा सी अगर 3/5 हो तो थीटा सी कितना होता है? साइन इनवर्स 3/5। नहीं, वो उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, मैंने बताया होगा जरूर 9th क्लास में। ये अगर 3 है, ये 4 है, ये 90 डिग्री है, तो ये साइड कितना होगा हाइपोटेन्यूज? 5 होगा। अगर 3, 4, 5 का राइट एंगल ट्रायंगल हो तो ये वाला एंगल हमेशा 37 डिग्री लगभग लगभग अप्रोक्स इतना होता है, और जब वो 37 हो गया तो 180 में से घटाएंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री होता है। अब बताओ इस ट्रायंगल में साइन 37 अगर लिखा जाए तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज लिखा जाए तो क्या होगा? 3/5 होगा ना। तो अब बताओ अगर साइन थीटा सी 3/5 है तो थीटा सी कितना होगा? साइन के किस एंगल की वैल्यू 3/5 होती? 37 डिग्री। तो आंसर इज 37 डिग्री। राज क्या कर रहे हैं? निक्की, राज कुछ नहीं कर रहे, तो उनको अपने पास बैठा वहां बुलाओ, बुलाओ मुझसे, मुझसे बात कराओ। तो बोले बात करो राज, राज ये क्वेश्चन तुम्हें करके बताना है फटाफट, तुमको भी एक ईयरफोन का एक तुम अपने कान में लगा दो, एक उधर निक्की, या माइक उस पे कर लो ना, फ्री कर लो। ठीक है, डिस्टरबेंस होगा, ठीक है, नहीं तो वो सुन पा रहे? हाँ सुन। हाँ तो ठीक है, क्वेश्चन तुम तो ये फटाफट बताओगे ना, तुम्हारा तो ये 10th हो चुका है ना, क्वेश्चन में दे रहा हूँ।
वन पॉइंट रूट थ्री कितना होता है डेंसर? 1.732. तो सही नहीं मिल रहा, एक मिनट. देख रहा हूँ, एक मिनट कैलकुलेट कर लो, सही क्वेश्चन बन जाए. म्यू डेंसर इज इक्वल टू 5/4 कह दो, है ना, और एयर टू एयर रेयर एयर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री. बताओ कितना आंसर आएगा. क्या आंसर आएगा? फोर्टी एट आएगा क्या? एंगल ऑफ डिविएशन बताना है. और कोई निक्की बताओ. एक मिनट अविरल, अविरल अविरल गया क्या? नहीं नहीं हूँ मैं. बताओ क्या आंसर होगा. फोर्टी एट ही आ रहा है तुम लोगों का. आर कितना आया? आर आर निकाला है? डेंसर मीडियम से गई रेयरर में, तो आर कितना आया? आर म्यू डेंसर लिखा है, म्यू 5/3, 5/4 म्यू डेंसर, म्यू रेरर 1 है, तो कितना आया आर? अरे बोलते नहीं तुम लोग, आर कितना आया भाई? इस नल्सर लगाओ, आर कितना होगा? नहीं बताओगे? अरे कर रहे हो कैसे, मैं बताऊं फिर. राज और अविरल का, निक्की तुम्हारा कितना होगा?
मेरा अभी नहीं। कैसे बहुत टाइम लग गया। आर कितना आया है एवरल? बताओ आर कितना होगा? हेलो अविरल, हेलो अविरल, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। लिख दो, टेक्स्ट लिख दो अगर नहीं आवाज आ रही तो। अविरल राज तुम्हारा कितना है आर? आर 48 आया है। अरे तो डिविएशन मैंने पूछा है भाई, तुमने वही बता दिया आंसर। आर 48 आया है, देखो देखते हैं कैसे। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। साइन आई कितना है? साइन 60 बटे साइन आर। म्यू टू कितना है? 1। और म्यू वन कितना है? 5/4। तो साइन आर कितना आ गया? 5/4 इंटू साइन 60 √3/2। तो 5√3/8 तुम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो आर 48 डिग्री आ गया क्या? कैसे कैलकुलेट किया राज? 60 क्या साइन 60 की वैल्यू 3/2 मतलब साइन 60 की वैल्यू √3/2 मिली है। तो क्या लिया? सिर्फ 60 ले लिया। अरे ये कैसे? साइन 60 की जगह 60 रखा केवल। तो 60 को 5/4 कर दिया तब भी तो कितना आएगा? 60 को गुणा किया 5/4 से मान लो 60 ही ले लिया, तो 60 इंटू 5/4 क्या होगा? 300/4 ये तो 75 होगा। कितना होगा अविरल? हेलो कैसे किया तुम लोगों ने? मेरा यही आ रहा था। क्या यही आ रहा था? 5√3/8 लेकिन मुझे लगा गलत है। तो गलत तो है ही है ये। ये चीज ये 1 से ज्यादा है ना। हाँ। अरे क्रिटिकल एंगल तुम लोगों ने निकाला कि नहीं निकाला पहले? तुम रिफ्रैक्शन कैसे जान गए कि रिफ्रैक्शन होगा? तुम्हें कैसे पता रिफ्रैक्शन होगा? रिफ्रैक्शन का लॉ तभी लगा सकते हो जब रिफ्रैक्शन हो रहा हो ना। रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है कि नहीं? तो डेंसर से रेयर में अगर जा रही है तो पहले चेक करो कि साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू टू बटे म्यू वन। तब साइन थीटा सी निकालने में जा रहा हूं तो साइन 91 हो जाएगा। म्यू टू कितना है? 1/5/4। तो क्रिटिकल एंगल कितना आ गया? साइन थीटा सी आ गया 4/5। तो बताओ साइन थीटा सी अगर 4/5 हो तो ट्रायंगल जो मैंने अभी बनाया था उसको देखकर बताओ साइन की वैल्यू क्या होगी? क्या एंगल होगा ये? अभी 3, 4, 5 का राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, उसमें साइन किस एंगल के लिए 4/5 होता है? किस एंगल के लिए 4 परपेंडिकुलर है? किस एंगल उस ट्रायंगल में देखो किस एंगल के लिए 4 जो साइड है वो परपेंडिकुलर और 5 हाइपोटेन्यूज है? किस एंगल के लिए? अरे ट्रायंगल बना था, भूल गए क्या तुम लोग? ये 3, ये 4, ये 5, ये 53 है, ये 37। अविरल अविरल आया नहीं, पता नहीं कहां चला गया। अविरल टेक्स्ट करो, टेक्स्ट अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो।
हेलो अविरल बताओ, 53 डिग्री. 53 डिग्री होगा ना ये। तो इसका मतलब अगर कोई रे 5/4 से 1 में जा रही है तो 53 डिग्री पर वो क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। अगर 53 डिग्री पर रे जाती तो वो क्रिटिकल ऐसे चली जाती, ऐसे 90 पर चली जाती। तो अब जो रे जा रही है वो उधर जा पाएगी, रिफ्रैक्शन होगा कि वापस रिफ्लेक्शन होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा तो है, होगा. तब तो वापस आ जाएगी ना उसी मीडियम में। तो 60 पर रे गई तो 60 पर वापस आ गई। तो अपने पथ से, अपने पाथ से कितना डिविएट होगा, ये एंगल मैंने पूछा है। ये एंगल, ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। ये 60 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा, 60. ये 60 होगा। तो डिविएशन इज 60 डिग्री। IIT JEE मेन का क्वेश्चन है, 10th लेवल का है। तो नहीं समझे बात को? निक्की, आगे. राज हाँ समझे कि नहीं? समझ. अविरल, अविरल है ही नहीं। अविरल आवाज नहीं आ रही। पेज नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 21। मिला क्वेश्चन? ये ऐसा एक ग्लास है, ग्लास का एक स्ट्रक्चर है। एक रे 90 डिग्री पर ऐसे आ रही, 90 डिग्री पर, 90 है ये। अब क्वेश्चन नहीं देखो, अभी फिगर देखो जो मैंने बनाया है। बताओ आगे कहाँ जाएगी रे, किधर जाएगी? इस एंगल का आई कितना है राज, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 90 नहीं भाई, जीरो, नॉर्मल की तरफ आ रही ना, तो जीरो है ना। तो किधर जाएगी रे, नॉर्मल से अवे कि नॉर्मल से, रेडियस से डेंसर में जा रही है तो किधर जाएगी, दूर की, पास की, नॉर्मल की ही तरफ? बोलो निक्की, तरफ. निक्की हाँ, पास में. नहीं, अगर नॉर्मल की सीधी चली जाएगी ना ये, पास नॉर्मल की तरफ ही चली जाएगी ना ये, तो बेंड, बेंड नहीं. क्यों क्यों बेंड होगी भाई, सीधी आ रही थी। अरे ये तो सब स्टार्टिंग में ही बताया था। तो दूसरे सरफेस पर नॉर्मल ये होगा ना परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल हो गया। तो मुझे कौन बताएगा कि सेकंड सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल कितना है, ये वाला 90। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180.
तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला 30 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये नॉर्मल है मतलब 90 है, कुल मिलाकर 90 है, तो कितना हुआ ये 60 डिग्री। 60, तो ये रे बाहर निकल पाएगी कि वापस आ जाएगी, इसका क्रिटिकल एंगल गिवन है 42 डिग्री, वापस आ जाएगी, क्रिटिकल एंगल कितना है 42 डिग्री। तो अब ये रे ग्लास से एयर में जा रही है, डेंसर से रेरर में जा रही है, क्योंकि डेंसर से रेरर में जा रही है तो क्या होगा, डेंसर से रेरर में जा रही है तो क्रिटिकल एंगल 42 है, उससे ज्यादा ये आई है तो वापस आ जाएगी, तो उसी एंगल पर वापस आ जाएगी, ये कितना हुआ 60। अब ये भाई क्रिटिकल एंगल दिया गया है क्वेश्चन में 42 डिग्री, तो क्रिटिकल एंगल अगर दिया गया है 42 डिग्री, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 60 है ना, तो अगर कोई भी एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो रे का क्या हो जाता है TIR, तो TIR हो गया ना, वापस रिफ्लेक्शन हो गया। तो रिफ्लेक्शन का नियम क्या होता है, नॉर्मल से जितना एंगल इधर होता है आई, उतना ही रिफ्लेक्शन का एंगल होता है, आई बराबर आर होता है ना रिफ्लेक्शन में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 9th क्लास में पढ़ा था। बोलो अब बताओ ये रे बाहर निकल पाएगी कि फिर इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, अभी बाहर जा पाएगी कि फिर वापस आ जाएगी उसी में। अरे डेंसर से रेरर में जा रही है ना, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है अब 60 डिग्री। कैसे, ये पूरा 90 है, ये 60 है, तो ये 30 होगा, हाँ ये 30, तो ये 60 ये 30, तो ये कितना 30. ये कितना, अगर ये 60 ये 30 तो बचा हुआ कितना 90. तब तो ये 90 हो जाएगा, ये ऐसे बनाना था मुझे, ऐसे सीधी हो जाएगी रे ना, ये 90 हो जाएगा, तो जो 90 हो जाएगा तब तो सीधी निकल जाएगी ना ये ऐसे, तो ऐसा ऐसा करके आएगी भी निकल जाएगी सीधा, नहीं समझे बात, समझ गए। तो यहां पर क्या होगा TIR यहां पर हो जाएगा, तो यहां एंगल देखा तो 90 आ रहा था, मतलब नॉर्मल की तरफ सीधी निकल, अविरल 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 क्वेश्चन नंबर 14 देखो, पेज नंबर 101, दिखाई पड़ रहा है इसमें वाटर से एयर में जा रही ना रे, इंसिडेंट रे किस मीडियम में है, वाटर, और किस में जाना है एयर में, तो डेंसर से रेरर में जा रही है, जैसे ही डेंसर से रेरर का केस आए चौकन्ना हो जाना है, हो सतर्क रहना है ना, बहुत सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। तो PQ क्या है, रिफ्लेक्टेड एज QS, जो PQ है वो तो इमर्ज हो गई, कैसे, ग्रेजिंग इमर्जेंस, क्या हो गया उसका, देखो QS रिफ्रैक्टेड है कि रिफ्लेक्टेड है, QS क्या है, रिफ्रैक्टेड है कि रिफ्लेक्टेड है, QS QS तो बीच में है, अरे तो ये ग्रेजिंग इमर्जेंस कहते हैं, ग्रेजिंग, ग्रेज कर गई है ना। अब बताओ पहला क्या है आंसर, एक आंसर क्या होगा, स्टेट द स्पेशल नेम गिवन टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस PQN ऑफ द रे PQ, क्रिटिकल एंगल कहेंगे इसको ना, क्योंकि 90 डिग्री हो गया है। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द रिफ्रैक्टेड रे QS,
90 डिग्री। आर कितना है नॉर्मल से, कितना एंगल बन रहा है क्यूएस का? 90। नेम द फेनोमेना दैट अकर्स इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस PQN इज इंक्रीज्ड। तो रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। टोटल इंटरनल द रे PR suffers partial reflection and refraction in the water air surface. Give reason. PR का तो केवल refraction होगा ना, क्योंकि उसका PR का जो angle बनेगा, PRQ जो angle होगा वो PQS से ज्यादा होगा कम होगा? बताओ निक्की। PRQ जो angle होगा, PRQ जो एंगल होगा वो एंगल PQS से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। ज्यादा होगा। PRQ एंगल बनाओ और PQS बनाओ, कौन सा ज्यादा होगा? मुझे तो PQS लग रहा है। देखो ये एंगल ज्यादा होगा, ये एंगल ज्यादा होगा। अच्छा ये ज्यादा होगा, ठीक है ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा। तो ये जो है ना, ये जो एंगल ऑफ, ये क्रिटिकल एंगल हुआ कि नहीं ये वाला एंगल, क्योंकि रे ऐसे हो गई। तो ये अगर क्रिटिकल एंगल है तो ये वाला जो एंगल है आई वो लेस देन थीटा सी है, तो इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब तो इसका रिफ्रैक्शन भी होगा है ना, और इसका रिफ्लेक्शन भी होगा, तो होता ही है पार्शियल, हालांकि ये बहुत कम परसेंटेज होगा, बताया था उस दिन। ठीक है, तो कितना टाइम हुआ देखो, पार्शियल तो होता ही है, जब भी कोई रे किसी एंगल, जब रिफ्रैक्शन होता है उस दिन एक सेकंड इमेज मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा शार्प बनती है, एक ऐसा थिक मिरर बनाया था, यहाँ पर कोई रे आ रही थी तो मैंने कहा था इसका कुछ परसेंटेज वापस जाएगा और कुछ नीचे आ जाएगा, ये तो सीधा आया था, फिर यहाँ पर कुछ वापस आ जाएगा कुछ इधर जाएगा, हाँ। तो जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन भी थोड़ा बहुत हो जाता है। अगर कार के अंदर कोई बैठा है तो बगल वाले शीशे से अगर हम देखते हैं, ब्लैक फिल्म ना लगी हो, तो अगर हम शीशे कार के अंदर देखते हैं तो कार के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति तुम्हें दिखाई पड़ता है कि नहीं? तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है, आर पार हो रहा है ना, तो रिफ्रैक्शन है, और तुम्हें अपनी भी इमेज दिखाई पड़ती है, चेहरा दिखाई पड़ता है कि नहीं? इसका मतलब तुमने जो रे छोड़ी, तुम्हारे से जो रे जा रही है, लाइट जा रही है, वो अंदर जा करके भी वापस आ जा रही है और सरफेस से भी आ रही है ना, नहीं समझे? अगर तुम्हें अपनी इमेज दिखाई पड़े तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, और अगर अंदर बैठे हुए व्यक्ति की इमेज दिखाई पड़े तो रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। तो किसकी इमेज शार्प होती है? अगर तुम कार के शीशे में देखते हो तो तुम्हें अपनी इमेज ज्यादा अच्छी दिखती है कि अंदर वाले की, अंदर वाला अच्छे तरीके से दिखता है? अपनी। अरे मिरर की तरह दिखता है क्या? कौन ज्यादा क्लियर दिखता है? अंदर वाले। अंदर जो बैठे हैं ना, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उसमें रिफ्लेक्शन कम परसेंटेज में होता है, रिफ्रैक्शन ज्यादा परसेंटेज में होता है। मिरर में सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है, अगर थिन मिरर है तो, नहीं समझे? तो रिफ्रैक्शन जब होता है, अगर कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो उसमें रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है, रिफ्लेक्शन कम होता है। ठीक है, कितना टाइम हुआ? 5:30 देखो हुआ कितना, 5:45। तो ठीक है, बाकी अब मैं होमवर्क देता हूँ तुम्हें, होमवर्क ध्यान में रखना है, होमवर्क करना है। इसके जो, एक तो रीडिंग करो अभी तुम लोग,
ये 4D मैंने आज पढ़ाया है, तो 4D का पेज नंबर 92 पर जो डाउट्स हो उसको अंडरलाइन करो, पेज नंबर 92, पेज नंबर 93, 92, 93, 94, 95, 95 का जो लेफ्ट वाला पैराग्राफ है 4.17 तक पढ़ना है, 4.17 के पहले तक, 4.17 के पहले तक पढ़ना है, ठीक है? चलो ठीक है, ओके।